Good morning, my dear lovely students. Today we will continue our fourth unit, and as you know, we have completed exercise 4A. Now it's time to start 4B. Yes. उससे पहले एक good news दे देता हूँ बच्चों. 4B exercise start करने से पहले good news क्या है कि आपकी 4C exercise को cut कर दिया गया है. Yes. 4C exercise अब आपने नहीं करनी. अब 4D हम करने 4B के बाद 4D करेंगे. समझ आ गया. और 4C को मैंने 4B में ही कवर कर दिया है, तो 4B और 4C को कंबाइन करके ये मान लो कि हमने सिर्फ और सिर्फ 4B और कुछ पार्ट 4C का मैं 4B में ही करवा दूंगा. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द इक्वेशन. ध्यान से देखना बच्चों, पहला पार्ट. ये जैसे जैसे पार्ट मैं करवाता जाऊंगा वैसे वैसे समझाता जाऊंगा आपको कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में करेंगे कैसे, और ये एक्सरसाइज आपकी बहुत काम आएगी आगे बड़ी क्लासेस में 8th, 9th, 10th. ये बेस है एक तरह से. ठीक है, देखिए क्या है. ए के पार्ट दे रखे एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4. तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेंगे राइट हैंड साइड. ठीक है, जैसे हमको पता भी है ये लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड. उसके बाद हमारा क्या काम होगा, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4. हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में डिजिट्स को लेके जाएंगे. अगर यहाँ पे प्लस होगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे. देखिए दोबारा बताता हूँ क्या चीज़, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, प्लस जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस, ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में. और जैसे जैसे सम होते जाएंगे आपको और क्लियर होता जाएगा कि ये सम होंगे कैसे. देखिए एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4, प्लस जब उधर गया तो माइनस हो गया 4 माइनस 2, जैसे आप नीचे दिख रहे हैं. अब 4 माइनस 2 एक्स की वैल्यू 2 आ गई. और एक और बात, आप इस क्वेश्चन को भी चेंज कर लेना. आपका क्वेश्चन जब आप राइट डाउन करोगे सिर्फ आपने ये लिखना है सोल्व द इक्वेशन. समझ आ गया, जो पूरा बड़ा क्वेश्चन है बुक में आपको नहीं करना. हम एक ही मेथड करेंगे, दो मेथड है इसको करने के. लेकिन अगर जैसे आपको पता है कोरोना के कारण हमारी क्लास ऑनलाइन लग रही है तो इतना टाइम नहीं होता, तब एक ही मेथड हम करने जा रहे हैं जो आपका आगे बड़ी क्लासेस में आपको काम आने वाला है. समझ आ गया, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4, प्लस उधर जाके माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2, एक्स की वैल्यू 2 आ चुकी है. अब चलिए बी पार्ट पे, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगेन प्लस राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा. देखिए 7 माइनस 5 एक्स की वैल्यू 2 आ चुकी है. तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है. देखिए ऐसे सी पार्ट, 2x-3 इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 2x-3 इक्वल टू 5. सबसे पहले माइनस को उधर लेके गए, यहाँ क्या बच गया बच्चों, जब माइनस 3 नहीं रहेगा तो ओनली 2x बच जाएगा, माइनस 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा 5 प्लस 3, तो 2x इक्वल टू 8. और हमको पता है 2x को क्या लिखते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई x, जब मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. देखिए 2 मल्टीप्लाई x, तभी मैंने एरो से भी करवा रखा है, एक्स इक्वल टू 8 डिवाइड 2, डिवाइड को हम लिखते हैं बाय के फॉर्म में, तो 8/2 4 आंसर आ जाएगा. यस, डी पार्ट में वाई प्लस 5 इक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, प्लस जब इधर आ गया माइनस, 27 माइनस 5 वाई की वैल्यू आ गई 22. एक और देखिए एच पार्ट, जेड माइनस 5 इक्वल टू प्लस 5, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहाँ पे माइनस, और हमको बच्चे सीख चुके हैं हम माइनस जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस प्लस हो जाता है, 5 प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 10 हो गया. एक और देखिए 3L इक्वल टू 57, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 3L मीन्स 3 मल्टीप्लाई L इक्वल टू 57, मल्टीप्लाई जब उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई बच्चों क्या हो जाता है, डिवाइड, 57 डिवाइड 3, बाय में लिखते हैं हम इसको, 57 बाय में 3, L की वैल्यू 19. इसके जो बाकी पार्ट हैं आई थिंक 10 या 11 पार्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 6 पार्ट मैंने करवा चुके हैं, करवा दिए. अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ आइए, ये भी इसको क्वेश्चन चेंज कर लेना, सिंपल सोल्व द इक्वेशन नाम कर लेना. आइए पार्ट पे, 3x इक्वल टू 45, LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 45, अगेन मल्टीप्लाई जैसे एरो से दिख रहा है उस साइड ले गए,
45/3, आंसर हमारे बच्चों क्या आ गया 15। आइए एक और पार्ट पे, 5m+7=17, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्लस उधर जाके माइनस, जैसे आप देख रहे हैं 17-7 हो गया, 5m क्या होता है बच्चों 5 × m × उधर जाके डिवाइड, 10/5, 10/5 आंसर आ गया 2। सी पार्ट की तरफ, 10p/3=20, अब हमको पता है बाय मतलब डिवाइड होता है, तो LHS=RHS, 10p/3=20। अब इस 3 को लेके जाएंगे, जो नीचे 3 है डिवाइड में जो है इधर जाएगा, जब डिवाइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो बच्चों क्या होता है यस मल्टीप्लाई, वेरी गुड, 10p 20 × 3, 10p = 60, और अब 10 × उधर जाके होगा डिवाइड, जैसे आप देख रहे हो 60/10, तो आंसर आ जाएगा 6। आइए ई पार्ट पे, x+1/3=4/3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्लस उधर जाके माइनस, तो आप जैसे देख रहे हैं 4/3 − 1/3, 3 एलसीएम ले लिया, 4 − 1 = 3/3, 4 − 1 = 3 होता है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास काटने के बाद 1। समझ आ गया। आइए एम पार्ट पे, 3t+15=-3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 3t+15=-3, अगेन पहले हम लेके जाएंगे प्लस वाले को, ध्यान रखना पहले जो प्लस वाला है वो जाएगा +15, उधर जाके माइनस, −3 − 15, फिर 3t मीन्स 3 × t, फिर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, सॉरी 15 और 3 = 18, 18 को जब डिवाइड करेंगे 3 से आंसर आ जाएगा हमारे पास −6। एक और पार्ट पे आइए, 25+20, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगेन 20 प्लस का बच्चों उधर जाके माइनस का हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं 20 यहाँ नीचे मैंने माइनस का कर दिया, 20 − 25, अब प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा कौन सा है 25, उसके आगे निशान माइनस का, तो आंसर हो गया क्यू की वैल्यू −5। क्वेश्चन नंबर 3, 4m+5=17, वही काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्लस, जब उस साइड जाएगा माइनस, 17 − 5, 4m = 17 − 5, 4m = 12, अब मल्टीप्लाई जब उधर जाएगा डिवाइड, 12/4, तो 12/4 3 लिख दिया, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सारे पार्ट्स किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे। देखिए बी पे, 2x − 5=4x + 5, ये थोड़ा सा चेंज है, देखो बच्चों इनमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी x गिवन है, राइट हैंड साइड में भी x गिवन है, तब हम क्या करते हैं दोनों को इंटरचेंज करते हैं, और ध्यान रखना कि जो x वाली टर्म है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना, जिससे आपको सोल्व करने में आसानी होगी, जैसे 2x है यहाँ पे भी 4x है, तो 4x को इधर ले आओ और −5 को उधर ले जाओ, अब ये +4x उधर जाके कैसे हो जाएगा −4x, −5 उधर जाके कैसे हो जाएगा +5, समझ आ गया नहीं आ गया, काम वही करना है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे भी x, अगर यहाँ पे भी x हो तो x को एक तरफ ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, जो बाकी आपके कॉन्स्टेंट टर्म है −5 उसको दूसरी साइड, तो 2x − 4x, यहाँ पे −5 उधर जाके +5 + 5, जैसे आप नीचे देख रहे हो, तो जब इन दोनों को हमने सोल्व किया तो आंसर −2x आया, =10 आया, −2x का बच्चों मतलब क्या होता है −2 × x, −2 उधर जाके बच्चों डिवाइड, जैसे आप देख रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा 10/-2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी −5। अब देखिए ई पार्ट की तरफ, 5 − 2y = 7, काम वही, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 5 − 2y − 2y को इधर ही रहने दो, 5 को उस साइड, जैसे आप एरो से देख रहे हो −2y, अब ये +5 है उधर जाके −5, −2y = 2, −2 अब डिवाइड में 2/-2, 7 − 5 2 हो चुका था, 2/-2 आंसर वैल्यू −1। अब देखिए जी पार्ट पे, सेम ई पार्ट की तरह, 22 − 3t = 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 22 − 3 = 1 सॉल्व कर रहे हैं, −3t को यहीं रहने दो, 20t को उस साइड ले जाओ, जब 22 को उस साइड लेके जाएंगे जैसे एरो से दिखा रखा है, ये +22 − 22 = 1 − 22 − 21 − 21 − 3t, अब −3t मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा,
21/3 जो हम उनको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 7। अब ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे 4th D के कुछ सम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1st of 4th D। यस, क्या करना है बच्चों इन क्वेश्चंस के अंदर, हमको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, उसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन उसको सोल्व करना है जैसे हमने 4th A में किया था। बस डिफरेंस क्या है, 4th A में हमने इक्वेशन बनाई थी, अब इसके अंदर हमको सोल्व भी करनी है। समझ आ गया, मीन्स 4th A प्लस 4th B को इकट्ठा हो गया, 4th D आ गया, ये समझ लो आप। समझ आ गया। अब देखिए पहला सम क्या कह रहा है, फाइंड अ नंबर विच एडिड टू इट्स हाफ गिव्स 42। समझ आ गया कि ऐसा नंबर बताओ जब हम उसको उसी के हाफ में ऐड करें तो आंसर 42 आ जाए। लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हमने एक्स नंबर लिया है तो इसके अंदर हमको ऐड भी क्या करना है, इसी का हाफ ऐड करना है। समझ आ गया, एक्स प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 42 बाय में 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लिया, तो 2x प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 42। सोल्व करने के बाद 3x बाई टू इक्वल टू 42। अब यहाँ पे हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 3x की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 की 42 के साथ, जैसे आप देख रहे हो 3x मल्टीप्लाई 1 3x 42 मल्टीप्लाई 2 84 3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, सेम जैसे हमने पहले 4th B पार्ट किए है, सारी एक्सरसाइज सेम उसी पैटर्न से। 3 को जब 84 से डिवाइड किया आंसर आ गया 28। आइए बी पार्ट पे, ऐड 7 to 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 73। हमने क्या करना है, कोई नंबर लेना है उसके अंदर 7 को ऐड करना है प्लस उस नंबर का 6 टाइम करना है तो आंसर हमारा 73 आ जाएगा। देखिए लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स 6 टाइम्स अ नंबर। यस, आपको 4th A में भी बताया था टाइम्स का मतलब मोस्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई से है, 6 तो x को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मल्टीप्लाई x 6x हो जाएगा। ऐड 7 तो उसके अंदर ऐड 7 करना है, तो 6x हो चुका है उसके अंदर हमने ऐड, ऐड मीन्स प्लस, प्लस 7 कर चुके हैं। नाउ 80 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 73। तो 6x प्लस 7 इक्वल टू 73, प्लस 7 उधर जाके माइनस, जैसे आप देख रहे हो प्लस 7 इधर आके माइनस हो चुका है, 73 माइनस 7 66 आ चुका है, 6x है। अब 6x का मतलब 6 मल्टीप्लाई x होता है, इधर जाके डिवाइड 66 बाय 6 आंसर आ गया 11। अब देखिए सी पार्ट पे, 1/6 ऑफ ए नंबर गिव्स माइनस 5 गिव्स 31। लेट द नंबर बी एक्स अगेन 1/6 ऑफ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई एक्स, तो x बाई 6 हो गया, माइनस 5 करना है जैसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है, माइनस 5 करना है तो x बाई 6 माइनस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू 31 जैसे आप नीचे देख रहे हो। अब ये माइनस 5 राइट हैंड साइड में गया, देखो माइनस 5 यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ गया, प्लस हो गया, ये 36 हो गया, x बाई 6 36। अब ये डिवाइड में है तो उधर जाके क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 6 आंसर आ गया 216। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में 4th D को कंप्लीट कर लेंगे। यस, थैंक यू क्लास।